माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राज्यातील गोर गरीब जनतेसाठी विविध उपाययोजना राबवित आहेत, परंतु या योजना तळागाळापर्यंत व नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचण्याचे काम सीएससी केंद्र चालक व आपलं सरकार केंद्र चालक करीत आहेत. केंद्र चालकांना मिळणारे तुटपुंजे शेअर्स मध्ये सन 2012 नंतर कधीही वाढ केलेली नाही. माझी लाडकी बहीण योजना आपण अंमलात आणली आहे. सदर योजनेचे फॉर्म भरावयास आपण सेतू केंद्र यांना प्रति फॉर्म 50 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, परंतु यामध्ये सीएससी केंद्र चालक यांचा उल्लेख नाही. सदर योजनेचं आम्ही ज्या ज्या नागरिकांचा अर्ज पूर्णपणे भरू सरकार दरबारी ऑनलाईन माध्यमातून दाखल करणार आहोत, त्या सर्वांचे मानधन आम्हाला कशा माध्यमातून देणार आहात याचंही उत्तर प्रशासनाकडून मागण्यात आले आहे. द लॉर्ड बुद्ध विदर्भ टी व्ही से आपका स्वागत करती हूँ. अभी हम खड़े कलेक्टर ऑफिस के सामने. यहाँ पर सीएससी का निर्देश किया गया है शासन को. कारण यह है कि जिस प्रकार ऑनलाइन सेवा दी जाती है, इसका इनको किसी भी प्रकार का सरकार के तरफ से किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं होती है, किसी प्रकार का स्टाइफंड नहीं मिलता है. सतत अपनी सेवा ये हर लोगों में प्राप्त करते. तो अब हम इनसे जानेंगे कि इनका ये मुद्दा क्यों उठाया गया है और आगे चल के अगर सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो इनका इस विषय पर अगला कदम क्या होगा. नमस्ते मैम, मेरा नाम रश्मि है. हम लोग मेरा इसासनी हिंगना में सीएससी सेंटर है. हम लोगों का मेन पॉइंट ये है कि जो इन लोगों ने लाडली बहन योजना चालू किया है गवर्नमेंट ने, उसमें लोग बहुत सारे आ रहे हैं और लोगों को ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है कि ये सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. सेतु केंद्र चालक उनसे कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बेसिकली उन्होंने जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं उनके लिए ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि उनको 50 रुपये का मानधन मिलेगा, लेकिन सेतु केंद्र चालक के लिए ये चीज़ कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुई है. बोला ज़रूर गया है, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों का कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा जा रहा है. वो ओपन पोर्टल पर है तो एनी वन कैन फिल इट. हम लोग अगर भरने की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसे डिफर करेगी कि वो सेतु केंद्र चालक ने भरा या नॉर्मल ने. तो ऐसे वक्त हमारे लिए जो हमारा एक पेमेंट निकलना चाहिए उसका एक सवाल गिर गया कि हम लोग आगे क्या करें. और ये योजना 3-4 महीने कंटिन्यू यदि चल रही है, हम लोग सिर्फ वही काम करेंगे तो हमारा डेली काम रुकेगा, तो हमारा बाकी का इनकम भी रुक जाएगा. तो हम 3-4 महीने अगर कमाएंगे ही नहीं तो हमारे बाकी के एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे. जैसा आपने बताया तो मुझे बताइए कि एक फॉर्म भरने के लिए आपने बताया 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो दिन भर में आप ग्राहकों को ऐसे कितनी सेवाएं प्रदान करते हो. मैम ऐसा है कि हम लोग तो सुबह 7 बजे से रात में 12 बजे तक के बैठे, जो 3 दिन तक के वो सॉफ्टवेयर चालू था जब तक वो एप्लीकेशन चालू थी. मैं खुद 2 से 3 दिन रेगुलर बैठी हूँ 7 से 12 बजे तक. 70 से 80 फॉर्म एक दिन में होते हैं अगर करने की कोशिश करो तो, लेकिन वो डिपेंड करता है कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट मर्ज करना, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, उसको क्लीन करना, क्लियर करना. जो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति मोबाइल से खींचेगा तो वो डेफिनेटली फॉर्म रिजेक्ट होगा. हम लोग सेतु केंद्र चालक है, एग्ज़ाम कर देकर हमने ये सेंटर लिया है, सो वी नो कि हम लोग को वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है. तो उसको थोड़ा टाइम लगता है. अगर डॉक्यूमेंट्स क्लीन है तो 15-20 मिनट में हो जाता है, अदरवाइज़ 1/2 घंटा तो भी एक चीज़ को लगता ही है. जिस प्रकार आपने 20,000 रुपये प्रति माह की मांग की है, तो इसके अलावा आपने सरकार से और कौन कौन सी मांगे रखी है और कौन कौन से शर्तें रखी है कि आपको वो चाहिए. मैम पॉइंट नंबर 1, एक तो वो हमको एक फिक्स सैलरी दे 20,000 पर मंथ, या तो फिर हम लोगों को 100 रुपीज़ पर फॉर्म मानधन दे. और उसके भी अलावा अगर नहीं हो सकता है तो एक हम लोगों को वो बता दे कि ये इतना फिक्स वो पर फॉर्म हमको देंगे. इसके पहले के जो तो हमारे जितने भी कमीशन डिसाइड हुए थे हम लोगों को कभी समय पे नहीं मिले. इसका कमीशन जब डिसाइड होगा तो वो हम लोगों को मंथ के मंथ, हर मंथ के एंडिंग में मिले ये. और दूसरी बात, यहाँ पर विधवाओं के लिए जो निराधार वाले जो हैं उन लोगों को ये स्कीम से निकाला गया है, उनको भी इस स्कीम में ऐड किया जाए, ये हम लोगों की मांग है. अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है और जिस प्रकार आप सभी इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये कदम आप अगला कहाँ तक लेकर जाओ. मैडम अगला कदम हमारा ये रहेगा कि नागपुर विभाग के तहत 4,500 सीएससी वीएलई हैं, जो कि सरकार की ऐसी जितनी भी योजनाएं आते हैं सभी में योगदान देते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्निकल लेवल पे काम करते हैं. तो हम सभी लोग पूरी तरीके से ये काम को स्थगित कर देंगे, कोई भी सरकार की योजनाएँ का पालन नहीं करेगा, सारी योजनाओं का बहिष्कार करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं हमारा रेंट देना है, इलेक्ट्रिक बिल देना है. हम लोग कमर्शियली डिप्लोइड कर गए हैं अपने आप को, तो वो कमर्शियल चीज़ें हम कहाँ से निकालेंगे. सरकार हमको देती है 10-20 रुपये कमीशन का, वो भी हमको मिलता है 3 महीने साल भर के बाद में. पीक बीमा हमने किए थे लास्ट ईयर, उसका कमीशन हमको आज 10-15 दिन पहले आया है. तो इस तरीके से हम एक साल तक उस महीने का रेंट और बाकी जो खर्चे रहेंगे वो किस तरीके से करेंगे, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि सरकार जो भी योजनाएं निकालती है, जब सरकार ने, केंद्र शासित शासन ने और राज्य सरकार ने ई शासन द्वारा कार्यान्वित करके एक सेंटर उपलब्ध कराया है, तो गवर्नमेंट को
ये करना चाहिए कि जितने भी पब्लिक है पब्लिक को वो सेंटर पे भेजना चाहिए, ना कि ओपन पोर्टल चालू करना चाहिए। ओपन पोर्टल के वजह से कई सारे स्कैम हो रहे हैं। हम यहाँ 20-50 रुपये अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो यहाँ हम पे कार्रवाई की जा रही है, और जो लोग 1500-2000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये ले रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि उनका उनका नाम ही नहीं पता है किसी को, वो कहाँ क्या स्कैम कर रहे हैं वो नहीं पता है। तो सरकार हम पे कैसे कार्रवाई कर रही है, ये चीज़। दूसरी चीज़, जो भी काम हो रहा है योजना के तहत, कई लोग सरकारी योजना का नाम लेकर के अलग अलग चीज़ें की ठगी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिए, लेकिन वो चीज़ का सरकार ने या कलेक्टर ऑफिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम लोगों ने ये चीज़ पहली बार नहीं किए हैं, हमने इसके पहले भी कई सारे निवेदन दिए हैं कि सर आप ओपन पोर्टल में ये सारी चीज़ें बंद करवाइए। कहीं ना कहीं जिला अधिकारी कार्यालय के द्वारा ही यही सब चीज़ों की देखरेख की जाती है, इसलिए हमने यहीं पे दिए हैं। बट आज हमको ये नौबत इसलिए आ गई है मॉब के साथ में यहाँ खड़े रहने की, यूनिटी संगठन के साथ इसलिए खड़े रहने की नौबत आ गई है, क्योंकि सरकार यहाँ चार लोगों की बात नहीं सुन रही है। जब तक संगठन इकट्ठा होकर के ये चीज़ बोलेगा नहीं, तब तक सरकार की आँखें नहीं खुलेगी। कितना भी कुछ हो, सरकार जो चाहती है हम वो करने के लिए रेडी है। सरकार की सारी योजनाएं सराहनीय हैं, लेकिन सरकार की जितनी योजनाएं हैं इसमें योजना में जो साथ में सहयोग दे रहे हैं, जैसे हम टेक्निकल पॉइंट हो गए, हम लोगों के हम टेक्निकल लोग हैं तो हमको टेक्नीशियन की तो एटलीस्ट सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी काम होते हैं ओपन पोर्टल से होते हैं, आम आदमी कर सकता है, लेकिन हर आम आदमी को वो चीज़ का नॉलेज है ये ज़रूरी तो नहीं, और हम आम आदमी की सहायता के लिए रखे गए हैं तो हमको भी तो टेक्निकल सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर कम से कम हमारा उचित मानदान हमको दिया जाए। हमारे भी परिवार है, हमारा भी रेंट है, हमको भी कमर्शियली सारी चीज़ें हैंडल करनी है, बट हमको कहा जा रहा है कि आप सोशली काम करिए। हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपने ये सेंटर किसके बदौलत लिए थे, जब सेंटर लिए थे तब ये सब चीज़ें नहीं समझ में आई क्या? तो ये कोई उचित वाक्य या उचित आंसर नहीं हुआ हम लोगों को देने के लिए। हम लोगों का उचित आंसर ये रहना चाहिए कि ठीक है, हम इस चीज़ का इतना इतना आपको कमीशन देंगे, या हम आपको इतना इतना मानदान देंगे। जा रहा है इनके द्वारा जिस प्रकार ग्राहकों को ई सेवा प्रदान की जाती है, उसका किसी भी प्रकार का भुगतान या मानदान इन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण आज कलेक्टर ऑफिस के समक्ष सभी सरकार के विरुद्ध कड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर ये बात आगे तक नहीं गई इनका विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। इस विषय पर आगे क्या होता है आप तक का खबरें पहुंचते रहेंगी, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी, विदर्भ टीवी। धन्यवाद।